विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के तत्वावधान में संपूर्ण भारत में मंगलवार से शुरू युवा संस्कार सप्ताह का शुभारंभ गोरखपुर महानगर में चेतना तिराहे से महानगर संयोजक देवीलाल गुप्ता के नेतृत्व में किया गया, जिसके माध्यम से युवा भाइयों बहनों में भारतीयता का भाव जमाने के साथ यातायात नियमों का पालन करने तथा नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान गणेश चौक गोलघर के सामने सड़क पर कार्यकर्ताओं ने पत्रक बांटकर स्लोगन व नारों के साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया, बजरंग दल ने खाना है, 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 केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि पूरे भारतवर्ष में आगामी 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य में भारत के युवाओं को संस्कारवान और धैर्यवान बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें उनको नशा मुक्ति, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, स्वच्छता ऐसे विषयों पर जागृत किया जाएगा, क्योंकि आज भारत जो नौजवानों का देश है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के कारण आज के नौजवान दिग्भ्रमित होकर के विभिन्न प्रकार के नशाखोरी में संलिप्त हैं, जिसके वजह से वो असमय काल के गाल में समा जाते हैं और भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए गोरखपुर महानगर ने ये कार्यक्रम आज से तय किया है। अभी आज हम लोग ट्रैफिक नियम को लेकर के सड़कों पर आज सबको जागृत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग नशा के खिलाफ कल कार्यक्रम करेंगे, परसों फिर दूसरे कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रम पहले तय हैं। कितने दिन तक चलेगा ये? 2 अक्टूबर तक चलेगा।